मध्य प्रदेश में मानसून का कहर फिर से लौट आया है। प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 42 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हालात और गंभीर हो सकते हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के रायसेन, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, नीमच, गुना और अशोकनगर जैसे जिलों में भारी बारिश 64.5 से 115.5 मिमी के साथ तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वहां के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है। मानसून अगेन एक रिवाइवल फॉर्म में आ रही है, तो दो दिन के बाद पूरे स्टेट में देखा गया तो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस दिख रही है। पिछले 24 घंटों में रीवा, चंबल और जबलपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और ग्वालियर संभागों में जोरदार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इंदौर और शहडोल संभागों में भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कुछ हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है और हल्की धूप भी देखने को मिली। कल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, ये वेस्टर्न साइड का डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड रेनफॉल, हेवी रेनफॉल का चांसेस है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र ने जानकारी दी है कि मानसून की रेखा वर्तमान में श्रीगंगानगर से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस कारण उत्तर प्रदेश और झारखंड में मौसम का दबाव कम हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में 24 अगस्त से एक नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश का दौर फिर से तेज हो सकता है। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी गंगानगर से मध्य प्रदेश में सिद्धि होके ईस्ट की तरफ मूव हो रही है। एक लो प्रेशर सिस्टम परसिस्टिंग है कुछ दिन से ईस्टर्न साइड में, और दूसरा एक लो प्रेशर सिस्टम अरेबियन सी में अभी सक्रिय है। वो आने वाले दिनों में वो नॉर्थ की तरफ मूव होने का चांसेस है, और एक पश्चिम विक्षोभ भी अभी सक्रिय है, वो भी आने वाले दिनों में इंडिया के कुछ रीजन में इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सिनॉप्टिक कंडीशंस के हिसाब से हमने आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खरगोन और धार जैसे जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं बालाघाट, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने इन जिलों के निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ईस्ट एमपी में भी निवाड़ी, टिकमगढ़, पन्ना, दमोह और साउथ ईस्ट एमपी का शिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे कल के लिए। यह समय है जब हमें सतर्क और सचेत रहना होगा। बारिश की तीव्रता और बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की सलाह का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घरों से बाहर निकलने से पहले मौसम की स्थिति की जांच कर लें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अगले कुछ दिनों तक हालात चुनौतीपूर्ण बने रह सकते हैं, इसलिए सभी को सुरक्षा के प्रति सजग रहना होगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव, सड़कें बंद और यातायात में अवरोध की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में बारिश के दौरान यात्रा से बचना और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना ही समझदारी होगी। प्रदेश में मानसून का यह दौर किस तरह से आगे बढ़ेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए सभी लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।